फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ अंदर की बातें जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिसे है इंग्लिश से प्यार वो कैसे कर सकता है ऐसे वर्ड्स से इनकार। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं और आपको टॉप पर जाने में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ और अनलेस का सही इस्तेमाल क्या है और टिल और अनटिल में क्या फर्क है, यानी कब हम टिल बोलेंगे और कब हम अनटिल बोलेंगे, कब हम इफ बोलेंगे और कब हम अनलेस बोलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसका इफ एक पॉजिटिव वर्ड है और इसका मतलब होता है अगर या यदि। लेकिन अगर मैं बात अनलेस की करूं तो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसमें नहीं मिला हुआ है और इसका मतलब होता है अगर नहीं या यदि नहीं। उसी तरीके से अगर हम बात टिल की करें तो टिल एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है तक या जब तक। लेकिन अगर हम बात अनटिल की करें तो अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है तक या जब तक, जिसमें नहीं मिला होता है या नहीं छिपा होता है। फ्रेंड्स, चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं अनटिल का मतलब जब तक होता है, जब तक नहीं नहीं होता। यानी अगर मैं कहूँ अनटिल का मतलब जब तक नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गलत है। तो मैं आपसे कहूंगा फ्रेंड्स कि ऐसी बात नहीं है। अनटिल का मतलब जब तक और जब तक नहीं, कई बार वहां पर नहीं लिखा होता है और कई बार वहां पर नहीं छिपा होता है। जैसा कि आप इसको किताबों में देख सकते हैं, आप यहाँ पढ़ें, इस किताब का नाम है हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश और यहाँ लिखा हुआ है अनटिल मतलब जब तक नहीं होता है। बहुत अच्छी किताब है, आप भी इसको लर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा सोचना गलत है कि अनटिल मींस जब तक, अनटिल का मतलब जब तक और जब तक नहीं दोनों होता है। जब कहीं जब तक लिखा हो और अनटिल का इस्तेमाल हो तो वहां पर नहीं छिपा होता है, और कई बार जब तक के साथ नहीं छिपा नहीं होता है वो उसके साथ होता है। ये दोनों सूरत में आप इस बात को देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि ये सभी वर्ड्स को आप अच्छा से सीख सकें। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इफ और अनलेस का एग्जांपल देखें, उसके बाद हम टिल और अनटिल का भी एग्जांपल देख लेंगे। तुम पास हो जाओगे अगर तुम कोशिश करो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू विल पास इफ यू ट्राई। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर के लिए मैंने लिखा इफ। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तुम पास नहीं होगे अगर तुम कोशिश नहीं करो। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आया हुआ है अगर नहीं, तो अगर नहीं के लिए हम लिखेंगे अनलेस। यू विल नॉट पास अनलेस यू ट्राई। तो फ्रेंड्स, अनलेस यू ट्राई का मतलब होता है अगर तुम कोशिश नहीं करो। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं कि कहीं गलती से आप अनलेस वाले सेंटेंस में नॉट लिखने की गलती ना करें। अनलेस में नहीं की इंग्लिश है, आपको अलग से नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इफ और अनलेस का मतलब समझ में आया हो कि दोनों से कंडीशनल सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, यानी शर्त वाली बातें बोली जाती हैं। इफ का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं जिसका मतलब होता है यदि या अगर, वहीं अनलेस का यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं जिसका मतलब होता है यदि नहीं या अगर नहीं। आइए फ्रेंड्स, अब टिल और अनटिल के बारे में जान लेते हैं ताकि लर्निंग में कहीं कोई कमी न रहे। यहाँ इंतजार करो जब तक मैं लौटता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेट हियर टिल आई रिटर्न। तो यहाँ पर जब तक के लिए आप टिल का इस्तेमाल किए जिसे टाइम का पता चला, यानी जितनी देर तक मैं नहीं लौटता हूँ जिसे टाइम का पता चला। आइए फ्रेंड, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आऊँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि अंटिल में नहीं का सेंस होता है क्योंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको टिल और अंटिल का यूज शानदार तरीके से समझ में आया कि टिल का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको कहना हो जब तक, लेकिन अंटिल का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको कहना हो जब तक नहीं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि अब इफ अनलेस टिल और अनटिल को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इन टॉपिक्स पर एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं? एक एक सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर खुशी होती है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।